Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine at your home. So today we are going to learn English worksheet grade senior KG. Okay, now everyone take out your English worksheet and our question number 1 is read the question and give its answer with use of this or that. Okay, so now look at here everyone. Which picture is this? Cat. Which picture is this? Cat. Or cat is यहाँ पे नज़दीक में एरोज से उसको इंडिकेट किया है. ओके, सो दैट्स वाई वी राइट हियर दिस. ओके, वाई वी राइट हियर दिस बिकॉज वो कैट है, वो क्या है, नज़दीक में है, पास में है. दैट्स वाई वी राइट हियर दिस. ओके, एंड दिस वन इज स्नेक. स्नेक, स्नेक इज फार. स्नेक इज फार फ्रॉम अस. ये स्नेक है वो स्पीकर से कैसे है, दूर है. ओके, उसको एक लॉन्ग एरो से उसको इंडिकेट किया गया है. दैट मीन वी यूज हियर दैट. दैट यानी कि जो चीज़ हमसे दूर होती है, जो पर्सन हमसे दूर होता है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं. THAT, दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कार. कार को किससे, किस एरो से किया है, शॉर्ट एरो से किया है, और उसका मीनिंग होता है कि कार, ये जो कार है वो पास में है हमारे. ओके, दैट्स वाई वी यूज हियर दिस. THIS, दिस. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कार. ओके, व्हाट इज दिस, कैट. व्हाट इज दिस, कैट. एंड हियर व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वहाँ पे क्या है, स्नेक. ओके, स्नेक इज दैट. नाउ नेक्स्ट इज बुक. नेक्स्ट इज बुक, और बुक को भी एक लॉन्ग एरो से इंडिकेट किया है. दैट मीन्स कि बुक कहाँ पे है, फार है. ओके, सो हियर एवरीवन राइट दैट. THAT, दैट. व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, बुक. दैट इज अ बुक. ओके, नाउ दिस 5 लाइन कंप्लीट एट योर होम. ओके, नाउ एवरीवन टर्न योर पेज. लुक एट हियर एवरीवन, राइट येस और नो, राइट येस और नो अगेंस्ट ईच पिक्चर, अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस, सॉरी सेंटेंसेस. ओके, आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज अ कैट सैट ऑन मैट. A cat sat on mat. Is it correct sentence? Is it correct sentence? Yes or no? Yes. A cat sat on mat. Cat कहाँ पे बैठी है? Mat पे बैठी है. So everyone write here. Y-E-S, yes. Y-E-S, yes. Okay? Now second one is an elephant has long tail. An elephant has long tail. Elephant को long tail है. Long tail है और short tail है? शॉर्ट टेल है. सो एवरी वन राइट हियर नो, बिकॉज दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट. दैट्स वाई वी राइट हियर नो. ओके, नाउ थर्ड वन इज टाइगर इज वाइल्ड एनिमल. टाइगर इज वाइल्ड एनिमल. येस, टाइगर इज वाइल्ड एनिमल बिकॉज इट इज लिव इन जंगल. दैट्स वाई इट इज वाइल्ड एनिमल. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. सो एवरी वन राइट हियर YES, yes. Now fourth one is peacock has black color. Peacock has black color. Peacock को black color होता है? No. Peacock has colorful colors. उसके पास तो colorful colors है, यानी कि बहुत different different type के color होते हैं. किसको? Peacock को. Okay, so this sentence is not right. So everyone write here no, N-O, no. Okay, the Gandhi Bapu is a nation of father. The Gandhi Bapu is our nation of father. Gandhi Bapu हमारे nation के father है. Right or wrong? Yes, this one is correct. So everyone write here YES, yes. Okay, the sixth one is a tree has stem. A tree has stem. ट्री को स्टेम होता है? नहीं. जो बेबी प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उसको स्टेम्स होते हैं. ओके, सो दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट. एंड एवरीवन राइट हियर नो. ओके, सो एवरीवन लाइक दिस कंप्लीट योर वर्कशीट एट योर होम विद द गुड हैंड राइटिंग. थैंक यू एवरीवन.